गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू GDMBBS स्कूल। आज हम कक्षा फोर्थ हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ एक के प्रश्नोत्तर लेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने पाठ एक वंशीधर वर दो, वंशीधर मतलब बंसी वाले अर्थात श्री कृष्ण, हमें वरदान दो, क्या दो, हमें वरदान दो, तो इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरी की पूरी कविता के सरलार्थ के बारे में बताया था कि इसमें हमें क्या वरदान मांग रही है डॉक्टर गीता रानी हम सब के लिए। क्या क्या कहा था उन्होंने, उन्होंने कहा था हमें सुंदर वेश देने के लिए, मधुर वाणी देने के लिए, बांसुरी जैसे उनके हाथ में सदैव रहती है वैसे ही हमें श्री कृष्ण भगवान हमेशा साथ रखे, और हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, और श्री राम की तरह हमें मर्यादा में रहना सिखाए, और जिस प्रकार श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे उसी प्रकार हम भी अपने माता पिता का कहना माने, और श्री राम की तरह ही हमेशा दुष्टों का संहार करे, और शेर सा साहसी बनने की हमने प्रार्थना की है, और शांति के समय महात्मा बुद्ध जैसा बनने के लिए कहा है, और हमेशा हमारे मन को फूल जैसा था खुशी में, हमारा मन खुशी में रहे, और हमारा शरीर कैसा होना चाहिए, हमारा शरीर वज्र के समान अर्थात पत्थर के समान होना चाहिए। दान भी अगर हम किसी को देते हैं तो हम किस प्रकार का दें, कर्ण से सीखें यह सब कि दान किस प्रकार दिया जाता है, और उसके सामने वह स्वर्ग को भी फीका समझे, मतलब कि स्वर्ग को भी बहुत ही छोटा समझे, सेवा को ही धर्म जाने, और स्वयं को ही निज रूप माने, मतलब कि स्वयं का ही सबको स्वयं का रूप माने, प्रेम की भावना का भी विकास करे, और हमेशा भक्ति सभी में दे सके, और ऐसी यही सब पूजा करके यही सब प्रार्थना करके डॉक्टर गीता रानी जी कहती है कि यही मेरी आरती और वंदना है। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले वीडियो में जो मैंने आपको शब्दार्थ करवाए थे वो शब्दार्थ सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, खाली स्थान और सत्य असत्य एकल शब्द, सत्य असत्य एकल शब्द, ये एकल शब्द भी आपने अपनी कॉपी में कर लिए होंगे बच्चों। और आज हम लेंगे प्रश्न उत्तर, ये देखिए निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले मैं आपको ये प्रश्न उत्तर समझा देती हूँ, ठीक है। कवि श्री राम से क्या सीखने के लिए इच्छुक है, मतलब कवि ने यह बताया है कि वह श्री राम से क्या सीखने की इच्छा रखते हैं, इच्छुक मतलब इच्छा। तो क्या था इस किताब में, हमने कविता पढ़ी तब कि कवि श्री राम से मर्यादा सीखने के लिए इच्छुक है, और माता पिता की आज्ञा का पालन सीखने के इच्छुक है, ठीक है। श्री राम से क्या सीखने का इच्छुक है, मर्यादा में रहना और माता पिता की आज्ञा का पालन करना। कवि ने किससे वर मांगा है, कवि किससे वर मांग रहा है, हमने इस कविता में शुरुआत में ही पढ़ा था कि कवि वंशीधर अर्थात श्री कृष्ण से वर मांग रहा है या वरदान मांग रहा है। बुद्ध को किस बात का प्रतीक माना जाता है, भगवान बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध जी को किस बात का प्रतीक माना गया है इस कविता के अनुसार, और वैसे भी वह शांति के प्रतीक है, किसके प्रतीक है, शांति का प्रतीक महात्मा बुद्ध को माना गया है। कर्ण अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, कर्ण दानवीरता के कार्य के लिए, किसके लिए, दानवीरता के कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। कवि कैसा तन और मन चाहता है, इस कविता के अनुसार कवि क्या कहता है, तन तो व्रज जैसा अर्थात पत्थर जैसा हो, और मन फूल जैसा अर्थात खुशी हो उसके मन में, ऐसा मन चाहता है, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको ये प्रश्न उत्तर भी समझा दिए हैं, आपको किस तरीके से कॉपी में करने हैं आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए आपको अपनी कॉपी में पेंसिल से इस तरीके से काम करना है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर वन, कवि श्री राम से क्या सीखने के लिए इच्छुक है, क्या है, कवि श्री राम से क्या सीखने के लिए इच्छुक है। आप इस प्रश्न का उत्तर पूरा इस तरीके से लिखेंगे,
कवि श्री राम से मर्यादा में रहना और माता पिता की आज्ञा का पालन सीखने के इच्छुक हैं। क्या है? कवि श्री राम से मर्यादा में रहना और माता पिता की आज्ञा का पालन सीखने के इच्छुक हैं। बच्चों, हमको भी भगवान श्री राम से यही बात सीखने को मिलती है कि हमेशा मर्यादा में रहें और अपने माता पिता का की आज्ञा का पालन करते रहें। दो नंबर देखते हैं, कवि ने किससे वर मांगा है। इस कविता के अनुसार कवि किससे वर मांग रहा है। वर मतलब वरदान। कवि ने वंशीधर अर्थात श्री कृष्ण से वर मांगा है या वरदान मांगा है। बुद्ध को किस बात का प्रतीक माना जाता है। महात्मा बुद्ध को किस बात का प्रतीक माना जाता है। बुद्ध को शांति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। कर्ण अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। कर्ण दानवीर कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, क्योंकि कर्ण क्या करते थे, दान अधिक दिया करते थे। ठीक है। कवि कैसा तन और मन चाहता है। कवि वज्र जैसा अर्थात पत्थर जैसा और फूल जैसा मन चाहता है। ठीक है। कवि वज्र जैसा तन और फूल जैसा मन चाहता है। ठीक है बच्चों। अब ये देखिए बच्चों, प्रश्नोत्तर आपको इस तरीके से करने के बाद में आपके किताब में अंतिम में रचनात्मक गतिविधि है। ये रचनात्मक गतिविधि आपके श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर 8-10 पंक्तियाँ लिखो। सबसे पहला इसमें है, मैं आपको यह काम दूंगी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार पर, पर्व मतलब त्यौहार पर, आप 8-10 पंक्तियाँ स्वयं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्वयं मतलब खुद लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है बच्चों, है ना, तो आप स्वयं ये कार्य करेंगे। दो नंबर रचनात्मक गतिविधि है, मेरा प्रिय पर्व विषय पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। मेरा प्रिय पर्व मतलब मेरा प्रिय त्यौहार। कौन सा है आप सबका त्यौहार? जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका प्रिय त्यौहार दीपावली है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ आपको यह किस तरीके से करना है। और यह प्रश्न आप अपनी हिंदी सेकंड मतलब कि हिंदी व्याकरण जो मैंने दूसरी कॉपी बना रखी है ना आपके, उसमें करने हैं आपको। ठीक है। ये देखिए बच्चों, रचनात्मक गतिविधि लिख के आप पहला प्रश्न डालेंगे, मेरा प्रिय पर्व, और ऑब्लिक करके आप लिखेंगे त्यौहार पर कुछ पंक्तियाँ लिखिए। उत्तर लिखेंगे मेरा प्रिय पर्व या त्यौहार कौन सा है, दीपावली। ठीक है। हम इस पर देखते हैं, भारत देश त्यौहारों का देश है जिसमें रक्षाबंधन, होली, दीपावली, दशहरा आदि प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारा भारत देश क्या है, हमारे भारत देश में बहुत सारे त्यौहार है। हमारा भारत देश इतना बड़ा है कि इसमें अनंत त्यौहार मनाए जाते हैं। ये प्रमुख त्यौहार है, उसमें से इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार दीपावली है। यह त्यौहार कब मनाया जाता है, कार्तिक मास की अमावस्या को होता है। कब होता है ये, कार्तिक मास की अमावस्या को होता है। दीपावली का त्यौहार किस कारण से मनाया जाता है, देखिए इस मत पर अनेक मत प्रचलित है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम रावण को मारकर 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। क्यों मनाया जाता है, इसके कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम रावण को मारकर 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। आगे देखिए, अयोध्या वासियों ने उनके सकुशल लौटने की खुशी में सारे अयोध्या नगर को सजाया तथा घर घर में घी के दीपक जलाए गए। ठीक है। तभी से हर वर्ष दीपावली से पहले नगर नगर में रामलीलाएं होती है तथा रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। आप भी रामलीलाएं देखते होंगे बच्चों, और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को आपने जलते हुए देखा होगा। ठीक है। दीपावली के दिन प्रत्येक घर में गणेश लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। क्या किया जाता है, दीपावली के दिन प्रत्येक घर में गणेश लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, मतलब पूजा की जाती है। बच्चों के लिए यह बड़ी खुशी का त्यौहार है। मिठाइयाँ, नए कपड़े और आतिशबाजी उन्हें पसंद आती है। क्या आती है, आतिशबाजी मतलब पटाखे, जिसे आप करना बहुत ही पसंद करते हैं जलाना। इस दिन लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। आप दूसरे दिन दीपावली के रामा सामा करने जाते हैं तो वो क्या है, वो है एक तरह की शुभकामनाएं देना होता है। कई दिन पहले से ही बाजार और दुकानें सजने लगती है।
चहल पहल बढ़ जाती है। लोग अपने मित्रों और संबंधियों को देने के लिए उपहार और मिठाइयाँ खरीदते हैं। लोग अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को गिफ्ट देते हैं, स्वीट्स देते हैं बच्चों। और आप भी स्वीट्स खाना बहुत पसंद करते हैं, मैं जानती हूँ, क्यों? तो आप भी अपनी दीपावली के त्यौहार पर स्वीट्स और आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, संध्या होते ही प्रत्येक घर दीपों से जगमगा उठता है। शाम के समय प्रत्येक घर में दीपक जलाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, रोशनी भी होती है और वो सारा मोहल्ला, सारी जगह जगमगा जाती है। आपने देखा होगा हर शहर में जगह जगह पर जो भी पुरातात्विक स्थल होते हैं, जैसे हमारे बीकानेर में हैं जूनागढ़ पब्लिक पार्क के, उधर क्या होती है, रोशनी की जाती है। आप जानते हैं कि दीपावली को रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। इस अवसर पर हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए तथा एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम से इस पर्व का आनंद लेना चाहिए। इस अवसर में हमें क्या करना चाहिए, हमें बुरे काम नहीं अच्छे काम करने चाहिए और एक दूसरे के साथ प्यार से इस त्यौहार का आनंद लेना चाहिए। तो बच्चों, आप यह दीपावली का त्यौहार का पूरा निबंध आप अपने हिंदी व्याकरण की कॉपी में करेंगे। बच्चों, ये रचनात्मक गतिविधि डाल लेना, आप उसके आगे पाठ एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ मैंने रचनात्मक गतिविधि लिखी है ना, यहाँ पाठ एक लिख के आप, है ना, इसके अंतर्गत रचनात्मक गतिविधि लिख के फिर ये इस तरीके से अपनी कॉपी में कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपका ये पहला पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। बच्चों, आप इस पाठ के शब्दार्थ टिकव, फिलिप्स, राइट्रॉन, एकल शब्द और क्वेश्चन आंसर्स और यह दीपावली का त्यौहार का निबंध आप यह याद करेंगे और जब ये सारा कार्य अपनी कॉपी में साफ सुथरी हैंडराइटिंग में करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके।